प्यारे बच्चे हो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे बच्चे? दिस इज़ अहसन अब्दुल्ला पटेल और फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड नई बुक के हवाले से क्लासेस मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जनाब, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11.2 पिछली रिकॉर्डिंग्स में करवा चुका हूँ। आप चाह कर देख सकते हैं, अब जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। क्वेश्चन है हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं जनाब कि एक हाइकर, इनफैक्ट दो हाइकर हैं, खूबसूरत से हाइकर बनाए आपके भाई ने। एक जा रहा है भजन ईस्ट की जानब और एक जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की जानब। अब जनाब जो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमें एंगल दिया हुआ है 55। वो कह रहे हैं एक जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो अब बता दो कि भाई ईस्ट हमने किधर शो किया है। तो भजन नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ होता है नीचे, ईस्ट होता है सीधे हाथ पर और वेस्ट होता है उल्टे हाथ पर। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई एक ने ईस्ट को ट्रैवल किया 9 किलोमीटर, दूसरे ने नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि ये कितना दूर हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये बहुत दूर हैं। है ना, ठंडी मारी ना सर ने। अच्छा भाई जनाब, हमने भाई ट्राइंगल का नाम दिया इसको ABC। अब इसको 9 ले लिया, इसको 10 ले लिया और जो सामने वाला है वो अननोन है। इनके दरमियान का एंगल हमारे पास 55 दिया हुआ है। तो आप देखो कि दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल जब भी गिवन होता है तो सीधा सीधा कोसाइन लो भाई, ना आओ देखो ना ताओ देखो, सीधा सीधा कोसाइन लो। तो ए के सामने वाला अननोन है, ए पे अल्फ़ा मुझे पता है, बी के सामने वाला बी मुझे पता है, सी के सामने वाला सी मुझे पता है। सीधा सीधा कोसाइन लॉ मैंने अप्लाई कर देना है। तो कोसाइन लॉ का फॉर्मूला क्या है जनाब? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फ़ा। पिछली वीडियोज़ में मैंने कोसाइन लॉ भी अप्लाई करना सिखाया है कि किस तरीके से कोसाइन लॉ अप्लाई किया जाता है। तो सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। वाज़ रहे कि कैलकुलेटर डिग्री में होगा और बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करें। कोशिश करें कैलकुलेटर में पूरी की पूरी वैल्यू इस्तेमाल करें, लास्ट स्टेप पे हम रूट ले लेंगे। ये हो गया जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जनाब क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं भाई जन दो जहाज़ हैं, तो आपके भाई ने दो जहाज़ बनाए, ठीक है, खूबसूरत से। वो कह रहे हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो 127 डिग्री का है। तो जनाब एक जा रहा है 525 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, वो भाई दूसरा भी इसी स्पीड से जा रहा है भाई ज़बरदस्त। और वो कह रहे हैं कि ये कितना दूर होंगे? 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे का मतलब है कि अगर स्पीड 525 किलोमीटर पर आर है, तो अगर 1 घंटे में 525 किलोमीटर है तो 2 घंटे में 1050 किलोमीटर दे जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपके भाई ने। एंगल हमें पता है, तो जनाब दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल मुझे पता है। तो जब दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल मुझे पता होता है तो सीधा सीधा कोसाइन लॉ लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो ए के सामने वाला ए मुझे नहीं पता, बी के सामने वाला बी मुझे पता है, सी के सामने वाला सी मुझे पता है, अल्फ़ा का एंगल मुझे पता है। तो जनाब सीधा सीधा यहाँ पर कोसाइन लॉ लगा दो। तो जनाब कोसाइन लॉ लगाने से यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों? किसी भी किस्म का कोई मसला है सवाल में, कोई मसला है तो भजन हाज़िर हैं आपकी खदमत के लिए। कमेंट्स में पूछें सवालात, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और जनाब अगर आप में से कोई बच्चा क्लासेस लेना चाहे फर्स्ट ईयर की, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और ग्रुप की शक्ल में आप मेरे पास ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप मेरा चल रहा होता है थर्सडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, 1.5 घंटे ये क्लास होती है। तो इंशाल्लाह आप चाहें तो उसमें भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।